आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। हम आपको बता दें, दिल्ली नरेला विधानसभा विधायक शरद चौहान ने दिवाली मिलन समारोह रखा, जिसमें क्षेत्र के सभी लोग नजर आए। यह समारोह दिवाली मिलन था और आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है। हम आपको बताते चले, वैसे तो दिल्ली में जितने काम दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किए हैं, आज तक किसी सरकार ने नहीं किए। बिजली फ्री, पानी फ्री, यहाँ तक कि शरद चौहान से हमने सवाल भी किए, उन्होंने बताया कि जैसे हरियाणा में अभी चुनाव हुआ, आज उसकी वोटिंग खुली, जैसे ही बीजेपी वालों ने कहा था कि 75 पार बीजेपी सरकार। अधिकारी है कौन कौन लोग हैं? नहीं, ना इनमें कोई निगम का कोई अधिकारी है, ये सब हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये पार्टी के लिए काम करते हैं। उनको आज उन्होंने एक हमारी मीटिंग होती है तो उसको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं करने के लिए हमने ये रखा है। जैसे दिल्ली में काम हो रहा है, लगातार बढ़िया तरीके से काम हो रहा है और मुख्यमंत्री साहब की ये मानो दिल्ली में नहीं, इंडिया में नहीं, बाहर विदेशों में भी चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री हो तो केजरीवाल जैसा, आम आदमी पार्टी ने वो काम करके दिखाया जो किसी ने आज तक नहीं करके दिखाया, तो उसके लिए जनता के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं तो बनती हैं दिवाली की तरफ से। बिल्कुल, इसीलिए हार्दिक शुभकामनाएं, जनता को भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, पूरे नरेला विधानसभा के हमारे सभी माताएं बहने, हमारे बड़े बुजुर्गों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, खुशी से त्यौहार मनाएं और इस बार पटाखे ना जलाएं, ये सबसे पहला हमारा संदेश है कि पोल्यूशन फ्री दिवाली मनाएं। और जैसे हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, आज चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, जो बीजेपी कह रही थी 75 पार, उसका क्या? देखो, जनता है, जनता को जो अच्छा लगता है, जो कार्य करता है जनता के लिए, जनता उसे जिताती है, मौका देती है जनता। पहले उन्हें मौका दिया, अब दूसरी सरकारों को मौका दे रही है। उनको लगा बीजेपी ने अच्छे काम नहीं किए तो वहाँ पे हरियाणा में उन्होंने अपना वोट अपने तरीके से दिया है।